वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पार्कर में। प्रसरार तौर पर रोनुमा होने वाले वाकयात का तसलसल जारी है। आप मेरे पस मंजर में दो कब्रें देख सकते हैं। जहाँ पर दुआएं मंजूर हो रही हैं, वहाँ पर कुछ दुआएं ना मंजूर भी हो रही हैं। कुछ लोग अगर अच्छे की दुआ मांग रहे हैं तो कुछ लोगों की मौत की दुआ भी मांग रहे हैं। इन कब्रों में उन दो वडेरों की लाशें दफन हैं जो यहाँ पर रहने वालों पर बेपनाह मजालिम ढाया करते थे। सवाल ये है कि साहब, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। खलाई जहाज की आमद इस वक्त मुसलसल चर्चा में है। पूरी दुनिया के मीडिया, अखबारात, टीवी चैनल्स इसको मुसलसल कवरेज दे रहे हैं। कहा जा रहा है जो दुआ भी मांगी जाए वो फौरन कबूल हो रही है। यही वजह है कि इसके असरात मईशत, मजहब और सियासत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। आज हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है जिसमें हमारे साथ वतन अजीज के नाम पर आलमदीन जोहेब आलम जान साहब मौजूद हैं, उनके साथ बड़ा जमान है और डॉक्टर अर्शी साहिबा जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उनके साथ बड़ा जमान है मंसूर अहमद मानी वतन अजीज के नाम पर सियासतदान। तो हम शुरू करते हैं अलामा जोहेब जान साहब से कि वो क्या कहते हैं कि वो इस तनाजुर में जो खराज जहाज की आमद को किस तरह से देख रहे हैं, इसके क्या असरात हो रहे हैं। तो जोहेब आलम जान साहब, आपके खिते पर मेरे ख्याल में ये क़यामत की एक निशानी है कि लोगों का ये ख्याल है कि ये उनकी दुआएं बराह रास्त खुदा कबूल कर रहा है और उन्हें इस हवाले से किसी मौलवी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मौलवी वो तबका है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए वक्फ कर दी हैं, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे यूँ लगता है कि इस बात के ताने बाने शैतानी कुव्वतों से मिलते हैं। हमारी तो उम्र गुजर गई है, हमने ऐसा ना कभी देखा ना सुना। जब से ये खलाई जहाज आया है लोग तो बस पागल हो गए हैं। कोई कुछ दुआ मांग रहा है, कोई कुछ दुआ मांग रहा है। बस मैं तो बस यही भैया दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी खैर करे। आप इस ये बात इस वजह से तो नहीं कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि माशरे से आपका किरदार खत्म होने वाला है? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इस बात की मैं आपको ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। जिस तरह भेड़ बकरियों के एक रेवर के लिए चरवाहे की ज़रूरत होती है, इसी तरह माशरे के लिए एक मौलवी की भी उसी तरह ज़रूरत है। आप मतलब ये आप आवाम को जो है वो भेड़ बकरियों चरवाहे से तशबीह दे रहे हैं? नहीं सर, आप मेरी बात को नहीं समझ सके। मेरे कहने का ये हरगिज मतलब नहीं। तो आपका कहना सरासर गलत हुआ फिर? तो इस तरह के लोग, क्योंकि बाकी में असल में हो तो यही रहा है कि आपकी किरदार खत्म होता जा रहा है। इस बारे में हम जानते हैं माहिर माइशात से कि आपको नहीं लग रहा कि इसके असरात जो है बहुत ज़्यादा मरतब हो रहे हैं, माशी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं लोगों के? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगी कि कुछ ग्लोबल इकोनॉमी है उसके हवाले से कुछ बात कर लें। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 30 दिनों से आज तक जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, और इस हवाले से बीबीसी ने पिछले हफ्तों अभी तक जो लोगों ने दुआएं मांगी हैं या लोगों में एक रुझान पैदा हुआ दुआ मांगने का, जो कि आपने बयान किया कि वो सिर्फ और सिर्फ जो दुआ मांग रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए मांग रहे हैं। उन्हें कम से कम वक्त में दौलत चाहिए, वो अमीर होना चाहते हैं। और इसी हवाले से आज जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं कि हम तेज़ी से महंगाई की तरफ जा रहे हैं, महंगाई इसका सबब बनती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद पाकिस्तान की मशहूर अन्ना झील क्वेटा पर। पूरी दुनिया में अजीब व गरीब वाकयात हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि जो भी दुआ मांगी जाए या बददुआ की जाए फौरन कबूल हो रही है। इसी का तसलसल है कि ये पानी की भरी हुई अन्ना झील सूख कर सपाट मैदान की शक्ल अख्तियार कर गई है। मकामी लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा डूबकर मर गया था, जिसकी माँ ने रोते रोते ये दुआ मांगी क्या ए खुदा इस झील को ख़त्म कर दे ताकि दोबारा कोई बच्चा डूबकर ना मर सके। और फिर देखते ही देखते ये झील एक सपाट मैदान की शक्ल अख्तियार कर दे। हमें नज़र आ रहा है जो तमाम सिनेरियो के बाद ये है कि पैसा हमारे पास, हमने जो रील प्रोडक्शन है वो बंद कर दी, पैसा दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो आपको नहीं लगता कि इससे अफराते जर जो पैदा हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा ना कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है? अफराते जर की आपने बात की, आप मेरी मिसाल लीजिए कि ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर मीशत जिस तरीके से
बुरे हालों पर पहुंच चुकी है। आप यकीन करें कि पंजाब में मेरी जो ज़मीनें थी, मेरा जो घर था, वो तकरीबन बिकने की उसकी नौबत आ चुकी है। मैं प्रैक्टिकली कंगाल हो चुका हूँ। मेरी सियासी पार्टी के ऊपर इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से। हवाई जहाज़ की आमद के बाद जितने ज़्यादा असरात हम सियासतदानों पर पड़े हैं, मेरा ख्याल है कि इतने असरात, इतने बुरे असरात किसी पर भी नहीं पड़े अभी तक जहाँ तक मेरा ख्याल है। दूसरा सवाल ये है मेरा अलावा साहब, इस खलाई जहाज को सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? दुआएं सिर्फ मुसलमानों की कबूल नहीं हो रही हैं, दुआएं तमाम मजाहिब की कबूल हो रही हैं, चाहे वो नेक है, वो बद है, अच्छा है या बुरा है, दुआएं सबकी कबूल हो रही है, तो आप उसको सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, ये सवाल, इस सवाल का जवाब थोड़ा तफसील तलब है। बात जो है खुदा की तरफ मंसूब करना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये काम 100% शैतानी है। और दुआओं के कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि बग़ैर मेहनत के कोई काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दें। देखिए, अगर आप बात सुने और आप इस बात पर यकीन करें, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक बहुत अच्छा, मैंने जो है वो पाकिस्तान के लिए मेहनत की है और पाकिस्तान की फलाह के लिए काम भी किया है। लेकिन मुझे ये एहसास होता है इस खलाई जहाज की आमद के बाद कि सबसे ज़्यादा जो बुरा हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। आप बल्कि इसको अगर कह सकें कि इस तरीके से हुआ कि मुझे तो बाकायदा लूटा गया है। और एक बात ये भी है कि हम सुन रहे हैं कि दुआएं कबूल हो रही हैं, फलां की भी दुआ कबूल हो गई, उसने दुआ मांगी, उसकी दुआ कबूल हो गई। लेकिन अब आप ये देखें कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है कि हमारी तो कोई एक दुआ भी, कोई एक सिंगल दुआ भी कबूल नहीं हो रही, और हम तो नीचे से नीचे ही जाए जा रहे हैं। यानी सबसे बुरा तो फिर हमारे साथ हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले वो खलाई जहाज देखा गया। कहते हैं खलाई जहाज पहले पहले मीनार जैसी, यहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि उसके लिए पहले पठानी टोपी जैसी है। आपको लग रहा है कि आपके फॉलोअर्स की तादाद इस तरह कम हो रही है, लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं? नहीं, मेरा ये नहीं ख्याल कि ऐसा हो रहा है। देखें, मामला बिगड़े हैं खलाई जहाज़ की आमद के बाद, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। हमारी सियासी पार्टी शायद अब उस पोजीशन पर नहीं रही, और इसकी वजह यही है कि हमारे मुखालफीन ने इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठाया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ सिंध में ख़ासतौर पर से हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह पंजाब में भी हमारी पोजिशन वाजे रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि फॉलोवर्स हमारे कम नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब इस तरीके से दूंगा कि मौलवी मुआशरे के लिए लाजिम व मलजूम है, और एक इस्लामी मुआशरा मौलवी के बगैर नहीं चल सकता। इसलिए मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जब से खलाई जहाज का चक्कर चला है, अजीबो गरीब वाकयात सुनने में आ रहे हैं। कल मोहल्ले के मदरसे से एक आदमी आया था और उसने कहा कि हमारे पास 200 बच्चे हैं, आपको जो भी दुआ करानी हो आप हमें बता दें, फ़ौरन कबूल हो जाएगी, और अगर इज्तिमाई दुआ करानी हो तो उसके लिए हम सिर्फ 10,000 रुपये चंदे के लिए हैं। और आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि अखबार और टीवी में इश्तहार आ रहे हैं कि हमसे दुआ कराएं और हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारे पास ज़्यादा मासूम बच्चे और बूढ़े। अब ये भी देखना था कि दुआएँ भी भेजी जाएंगी। आप बताएं मुझे, आप लोगों से तीनों से मेरा मुश्तरक सवाल है कि आप जब बातें हो रही हैं, दुआएं कबूल हो रही हैं, दुआएं मुसलसल कबूल हो रही हैं, तो आप तीनों भी इसी माशरे का हिस्सा है, तो आप लोगों की दुआ कबूल हुई है कि नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा, और जवाब ये है कि ये बहुत पर्सनल सवाल आपने कर दिया। ये तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप किसी से बराह रास्त पूछ लें कि आप अपना बैंक अकाउंट दिखा दें कि आप उसमें कितना पैसा है, और मेरा ख्याल है कि आईन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप बिल्कुल किसी से इतने ज़ाती नोयत के सवाल करें। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं समझता कि आपको ये सवाल करना चाहिए लोगों से और पूछना चाहिए कि आपकी कौन सी दुआ कबूल हो रही है, कौन सी नहीं, क्योंकि लोग इसको बहुत पर्सनली लेते हैं। मेरा ये ख्याल है। आप क्या राय है इस बारे में? आप क्या कहती हैं, आपकी दुआ कबूल हुई अभी तक? मेरी तो दुआओं के हवाले से मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरी दुआ कबूल हुई। मेरी दुआ तो जब मांगते हैं तो दुआ कबूल होती है। सॉरी, तो ये कहना चाहूँगी कि दुआ मांगने का तरीका होना चाहिए। दुआ सिर्फ इंसान को अपने लिए नहीं मांगनी चाहिए। दुआ अगर आपने मांगनी है तो उसके साथ आप कुछ काम भी करें। आप ऐसे काम करें कि जो कि आपकी सोसाइटी के लिए भी हो और जो कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी हो। जब आप उनके लिए भी काम करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। दुआ मांगना सिर्फ अपने लिए ज़रूरी नहीं है,
जी अलावा साहब आपकी कोई दुआ कबूल हुई है? जी देखें, मैं तो अपने लिए कुछ खास नहीं, लेकिन ये है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए भरपूर दुआएं करता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी हो जाती है। वो भी किसी दुआ का ही सवाल है कि जिस मर्सिडीज पे आप आए आज इस प्रोग्राम। जी लगता है आपने मुझसे ज्यादा मेरी मर्सिडीज पे नजर रखी है, तो मैं आपको ये बात वाजे कर दूँ कि वो मर्सिडीज मेरे छोटे भाई की है और उनका बिजनेस है, गाड़ियों का शोरूम है। तो आज चूंकि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए ये मैं मुस्ताद लेकर आया हूँ। मेरा बेटा शहर चला गया था वहाँ काम करने के लिए। मैं दुआ कर रहा हूँ कि वो वापस आके मेरे साथ बागात में काम करे। मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरा बेटा वापस आ गया, अब मेरे साथ ये बाग में काम करेगा। ये उस खलाई जहाज का असरात है जो कि मेरा बेटा वापस पहुँच गया। आप देखिए, जो मेन जो बात है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, आपको बुरा भी लगे बात कि मीडिया में इस वक्त न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि लोगों ने बाकायदा इदारे बना लिए हैं दुआएं बेचने के, और उसमें मंसूर साहब आपका भी नाम है, सियासतदानों जिन्होंने अब तक कोई इदारा खोल लिया इस तरह। नहीं, मेरा मैं इस बात से बिल्कुल भरपूर इख्तलाफ करूँगा, आपको शायद मुकम्मल मालूम नहीं है इस हवाले से। हाँ, ये ज़रूर है कि दुआ बेचने के हवाले से बहुत से यतीम खाने, और शायद अल्लामा साहब मेरी बात से इत्तेफाक करें कि मदारिस भी दाखिल हो गए, बड़े मालियाती इदारे बैंक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, और लाखों करोड़ों में जो हैं वो दुआएं बेची जा रही हैं। बच्चों को वो हायर करते हैं, बुज़ुर्गों को हायर करते हैं, क्योंकि सुना है कि बच्चों बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं वो ज़्यादा कबूलियत का दर्जा पा रही हैं, तो वो हायर करके उनको फिर लोगों से जो है वो दुआ मंगवाने के लिए पैसा खरीदते हैं। मेरा ख्याल इसके अंदर कोई ऐसा किरदार नहीं है, ना मैं इसके अंदर यकीन रखता हूँ। अगर मैंने ऐसे इदारे बनाए होंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती। आपको अगर मैं इस अखबार है हमारा एक बड़ा मशहूर अखबार है आज़ाद रियासत, उसके अंदर भी अगर आप ये देखें तो जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का बाकायदा नाम है, जिसने जिस अखबार ने ये रिपोर्ट शाया की है कि आसिफ अली जरदारी साहब की कोई कंपनी है बहुत बड़ी, जो कि शायद इस दुआ बेचने के कारोबार के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन बहरहाल ये भी एक इल्ज़ाम है और मैं इसको भी हक में नहीं कह रहा। तो आपकी ये जो मैंने आपको ये अखबार दिखाया है, ये आपकी उस बात का जवाब है कि मीडिया में ऐसी चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, लेकिन उसमें कितनी सदाकतें हो सकता है, वो सोफी सा झूठ हो, तो उस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि दुआएँ बेची जा रही हैं, हमने सुना है कि छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, ये वो ज़रूर है, लेकिन इसके शवाहिद कहाँ हैं, कौन इसको कर रहा है, किस तरह से, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत के वक्त से हमारा मुकालमा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो उसको रोका जाए। खलाई जहाज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। पुरस्कार वाक़ियात का तसलसल पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के शहर बदीन में, जहाँ पर होटल के मालिक ने दावा किया है कि उसने कहीं पुरस्कार वाक़ियात का मुशाहदा किया है। आइए हम उसकी ज़बानी जानते हैं। एक अजीब सा वाक़ भाई मैंने देखा, यहाँ पर मैं रोटी लगा रहा था तो एक बंदा नौजवान नज़र आया, देख रहा बहुत खूबसूरत बंदा था, लेकिन उसने खाना का कह दिया, मैंने उसको खाना और चाय पिलाया तो बहुत ये दुनिया का नहीं लग रहा था वो बंदा, जो जहाँ पे देखा है तो उसने खाना खा के मेरा ध्यान किसी और जगह पे था, तो मैंने नज़र फेरा यूँ, जो बंदा नहीं है पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पैसे यहाँ पे रखा के चला गया। अब हम बात बढ़ते हैं आखिर सवाल की तरफ, बिल्कुल क्या देख रहे हैं आप लोग, ज़रा रखिएगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि माशी तौर पर हमारी जो मार्केट है वो सब मुतवाजन नहीं है, तो हमें चाहिए कि अपने आने वाले जो दौर के अंदर, आने वाले हमारा जो मुस्तकबिल है, उसमें हमें अपनी इस मार्केट को मुतवाजन करना होगा, और उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमें एक तहरीक का ऐलान करना चाहिए, बाकायदा एक इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाना चाहिए, मिराज मिशन के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे से ये जो कैप्टन सुहेल हैं इस खलाई जहाज़ के, और मैं मुतालबा करूँगा हुकूमत से कि वो इनको गिरफ़्तार करें, क्योंकि इन इस खलाई जहाज़ के आमद के बाद से जो बिगाड़ माशरे में पैदा हुआ है वो इससे पहले मुझे कहीं देखने में नज़र नहीं आया। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि ये दुआओं का जो कारोबार चल पड़ा है और ये जो खलाई जहाज़ है इसको ख़त्म करें, किसी भी तरीके से आर्मी बुलाएं, किसी भी तरीके से इसको तबाह करें, जो भी वो कर सकती है वो इसको करें, ज़रूर करें। रशिया तो ऐसा कर चुका है आपके इल्म में होगा, मगर उससे कोई
दूर असर बताए बरामद नहीं हुए इससे, तो पाकिस्तान इसके लिए क्या कर सकता है? मेरी यही तो दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो रशिया से आगे बढ़कर कोई इकदाम करे। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, हमारी आर्मी को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले कर आए जहाज के खिलाफ। अपने दोस्त मंसूर मानी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस खलाई जहाज को बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से माशरे में एक हैजानी सी कैफियत पैदा हो चुकी है, हर शख्स एक नफसियाती बीमारी का शिकार हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इसको फिलफौर जंगी बुनियादों पर ख़त्म कर देना चाहिए या इसको तबाह कर देना चाहिए। रोस्ता, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि यकीन है मुझे भी कि हम अपनी माशी मसाइल को बहुत जल्द हल कर लेंगे, और उसके लिए हमें चाहिए कि तबाही की तरफ जाने से बेहतर है कि हम अपने मसाइल को दुआ और सब चीज़ों के साथ साथ अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी को साथ लेकर उनके साथ काम करें, ताकि उससे हमारा मुस्तकबिल भी महफूज हो और हम लोग आगे बढ़ने की तरफ गामजन हो जाए। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि जो भी कुछ इस वक्त मौजूदा हालात हैं वो इस खलाई जहाज की वजह से हैं? क्या इस खलाई जहाज को तबाह कर देना चाहिए? तमाम माशरे का इंतशार जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बन रही है वो इस खलाई जहाज की वजह से है? क्या आपको लगता है क्या तो बिगाड़ जो पैदा हो चुका है वो इस खलाई जहाज की वजह से है? क्या इस खलाई जहाज को तबाह कर देना चाहिए?